यू बिकम वन ऑफ दोज एक्टर्स एंड दोज स्टार्स कि अगर आप किसी फिल्म में कास्ट हो तो द फिल्म यू विल कैरी ऑन योर शोल्डर्स. मुझे ये बताओ, मेल ईगो को डील करना कितना आसान या मुश्किल बहुत है? आपके मुश्किल साथ है. दो को स्टार्स आपके हैं देर अमेजिंग, एंड बट दे कभी आर कभी अमेजिंग, दे हाँ आर रियली गुड एक्टर्स, सो मैंने अपनी एब्सोल्युटली. जिंदगी आसान कर ली है. मैंने इंडिया में एक चीज सीखी कि वो अपनी वैनिटी में बैठते हैं, वो अपने काम से काम रखते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है. हमारे एक्टर्स अभी हमें आई थिंक उस तरह की इन्वायरमेंट की, या हमारे पास उतनी फैसिलिटीज नहीं है, हमें आदत नहीं है. नाउ आई डोंट शेयर माई रूम, आई डोंट शेयर माई वैनिटी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आपकी एनर्जीज है उसको आप वेस्ट नहीं करें. आप उतना जो आपका जो ध्यान है वो आप अपने स्क्रिप्ट में, अपने काम में दें, परफॉर्मेंस ना पे कि दें. इधर उधर गॉसिप में, बिला वजह की बातों में. अभी तक बाकी लोग इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करें, उनको लग रहा है कि शी सच अ डीवा. नो, आई डोंट फील माई सेल्फ अ डीवा, यू अंडरस्टैंड. बिल्कुल. मैं सिर्फ अपनी उन एनर्जीज को बचाने की कोशिश करी है जो मेरे काम में जाएंगी. जी बिल्कुल. आई होप वो अंडरस्टैंड कर जाएंगे इस चीज़ को बहुत जल्दी. मैं बहुत अच्छे से मिलती हूँ, मैं जब सेट पे आती हूँ उनसे अच्छे से इंटरेक्ट करती हूँ, अपना काम अच्छे से करती हूँ, फिर मैं वापस अपने केव में चली जाती हूँ. दोस्ती यारियां का वक्त नहीं होता नहीं सेट पे, है, सेट पे. अच्छा इक्वेशन है, लेकिन अगर बिला वजह अगर आपके किसी के साथ नहीं बन रही ना, तो मैं वो उस तरह का इंसान नहीं हूँ कि आई डोंट फोर्स माई सेल्फ टू यू नो जस्ट गेट इन टू समबडी. के अगर नहीं कोई कंफर्टेबल तो नहीं है, इट्स इट्स फाइन. आपको जरूरत नहीं होती किसी के हर किसी के साथ बनाने की भी. बनाने की जहाँ बन रही है वो ऑटोमेटिकली आपकी बन जाएगी, वहाँ आपको बिल्कुल. फोर्स नहीं करना पड़ेगा. उस रिलेशनशिप में ईज होती है जहाँ आपको बिल्कुल है. उसका ये मतलब नहीं कि हाँ. आप कोई सो उनके मैं उस तरह साथ. का इंसान नहीं हूँ कि ओहो मुझे हैंग आउट करना है फॉर वर्क एंड ऑल. नो, मैं बड़ा चिल इंसान हूँ. बन जाएगी तो आपके बन जाएगी, नहीं बनेगी तो कभी भी नहीं कभी भी नहीं बनेगी. मैं बनेंगे ऐसी हूँ, बिल्कुल. डू अ डाई वाला आपके इंसान डायरेक्टर्स आपकी बहुत तारीफ करते हैं. यार. मेरी सरमत से काफी लंबी चौड़ी बात है. ही वाज ऑल प्रेज फॉर यू. आपने स्विमिंग सीखी कमली के लिए यस आई और डिड, अंडर वाटर आपके काफी काफी सारे सीक्वेंसेस काफी हैं. सीन थे. और एक सीन ऐसा आ गया था कमली में, एक टाइम था जब हमने गर्मियों में, नॉट एग्जैक्टली गर्मियों में, अक्टूबर में स्टार्ट किया, सो दिसंबर तक उसका स्पेल चला गया काफी. सो एक सीन रह गया था अंडर वाटर, और बहुत सर्दी होती है सून वैली में. अंडर वाटर थी मैं. खैर सरबत ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत ख्याल रखा. वो करना इतना मुश्किल था. तो वो ना देगनी होती खाना बनाने वाली, उसमें पानी गर्म किया और नीचे स्टोन से उसके ना, वो स्टोन्स इतने सर्दी में ठंडे होते हैं कि अगर उसमें चार पांच देगी डाल भी लोगे ना, तो वो स्टोन्स की ची भी नहीं हिली थी, वो गर्म नहीं हुई थी. तो मैं नीचे के कहा ये बहुत ठंडा है. खैर कोई भी काम आसान नहीं होता. मुझे लगता है कि कहीं ना नहीं कहीं आपकी होता. कुर्बानी और आपकी चीजें चाहिए होती है. एंड आई लव माई वर्क, नजर आता मेरा है. पैशन है. मैं मर जाती हूँ, मेरे घुटने रह गए कमली में. एक अंडर वाटर एक और सीन था जिसके नीचे पूरा एक सरिया लगा हुआ था पानी के अंदर. सो वो शॉट था कि 1 मिनट के लिए मुझे अंडर वाटर स्टे करना है. अच्छा. और मैं जब गई तो मेरा ये नी है उसके साथ हिट किया, हिट किया ओए तो ब्लड निकला. हाँ ब्लड अब तब से, एंड सेम डे मेरे रनिंग शॉट भी थे, वो भी मैंने उसी पेन के साथ. तो मुनिया आपा, मुनिया दीदी जो है वो मुझे यहाँ पट्टी लगाती थी दोनों घुटनों पे, उसके बाद मैं रनिंग शॉट देती थी, फिर आती थी, फिर उनको थोड़ा सा सुकून लेके फिर जाती थी. आई थिंक मेरी जगह कोई और होता वो कभी भी ना कर सकता. ना कर सकता है. एक्टिंग वाइज वो मुश्किल नहीं था कैरेक्टर करना. हाँ, मैं देख रही हूँ, ठीक है हो जाएगा. लेकिन लॉजिस्टिकली उनकी उसकी चीजें वो सब करना, और लोकेशंस पे जाना, 1.5 घंटे की ड्राइव, और 2 घंटे के लिए नीचे वैली में जहाँ हम शूट करते थे, जो हमारी लोकेशन थी वहां तक. अच्छा कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या हमेशा ऐसा होता है, नीचे जाना आसान होता है, ऊपर. नीचे से पूरे दिन की शूट करने के बाद ऊपर आना, रात 2:30 बजे के आप उठे हुए हो, 2:30 उठना है, और फिर मेकअप नहीं है. बालों में मेरी ब्रेड्स होती थी नेचुरल लुक देने के लिए, मुझे नहीं थे कर्ली बाल, वो देने के लिए ताकि डिफरेंट लुक आए. सो वो इतना पेनफुल प्रोसेस था कि वो पूरी रात मेरे बाल ब्रेड्स के साथ गीले बालों में बंद होते थे, उससे नींद नहीं आती थी. मैं यहाँ सोती थी, नींद नहीं आती वहां सोती. तो 2 मंथ्स मैंने बड़ी तकलीफ में मगर कमली ट्रेलर की देख के एक लग रहा है कि वेल वर्थ रियली डायलॉग्स थे ही नहीं. मैंने कहा ये गूंगी है, बहरी है, इसका मसला क्या इट. है. मैंने कहा सहमत ये फिल्म ना चली, मैं खुदकुशी कर लूंगी. मैडम जी खुदकुशी मत करना. अरे मैंने कहा मैंने इतनी मेहनत की है, मैं बता रही हूँ फिल्म का हाँ चलना बहुत जरूरी है. हाँ तो नो एक ऐसा आई लग रहा वर्क है कि सो घबराना हार्ड. नहीं, विल बी अ कमर्शियल फिल्म एंड अ कमर्शियल यस इट सक्सेस इज, एंड आई एम ग्लैड कि विद द एक वक्त में फुल अगर लाइक बिंदास हाँ, काइंड ऑफ. बिंदास आपको घबराना हाँ नहीं है, मैं मसाला भी मिलेगा, कॉमेडी मिलेगी, हाँ म्यूजिक मिलेगा, एक्शन मिलेगा, इमोशंस मिलेंगे, और दूसरी तरफ
कमली एक और ही किसी दुनिया की, हाँ बहुत ही आर्टिस्टिक, और उसका मुझे लगता है वो मासेस की फिल्म भी नहीं है, वो बहुत एक अलग एक क्लास उसकी है, नजर आ रही है आएगी लोगों को समझ। यू आर नॉट अफ्रेड टू टेक रिस्क्स एनीमोर। नो, आपको दिखता है मैं ऐसी पर्सनालिटी हूं? मुझे तो अगर आप कहेंगे अभी छलांग लगा तो कुएं से, मैं कहूंगी अच्छा कुएं में छलांग लगाना, अगर वर्थ इट में लगाने लगी मैं लगा दूंगी। आप बिल्कुल नहीं घबराती हैं, घबराती तो आप ही नहीं रिस्क से। नहीं, मैं अब घबराना चाहती हूँ ऑनेस्टली, आप ना मेरे ख्याल से थोड़ा सा घबरा लेना अच्छा होता है। नहीं नहीं ये शुरू में था, शुरू से वर यू लाइक दिस? ये जो चाइना का माल बन गया है ना ऊपर से ऐसा आया, इससे मैंने बाद में कोई कमाल नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि women, once they're out of their 20s, in their 30s, they acquire this kind of a confidence and self-confidence. आप शुरू से ऐसी, मेरे मेरे दोस्त भी कहते तुम गलत भी करती थी, इतने डंके के चोट पे करती थी कि हम कन्विंस्ड हो जाते थे कि ये सही कह रही है। यू अंडरस्टैंड कि आप गलत भी इतने कॉन्फिडेंस से कर रहे हो कि अगला भी डाउट में आ जाता है कि शायद ये ठीक हो। मगर मैंने आपके बारे में ये नोट किया है कि आपको इस चीज का एहसास है कि देखने वाले की सेंसिटिविटी क्या है, कि अगर एक फिल्म बन रही है घबराना नहीं, ठीक है वो उसमें एक्शन भी होगा और मसाला भी होगा, हर चीज होगी, लेकिन वो शायद ओवर द टॉप नहीं जाएगी पाकिस्तानी पब्लिक के लिए। Where do you draw the line? मैं अब चीजों को ओन करती हूँ। If I don't like something, मैं कह देती हूँ मुझे पसंद नहीं आया। बहुत मेरे डिसएग्रीमेंट्स होते हैं मेरी काम वाली जगह पे, आई थिंक वो बहुत फेयर है एक एक्टर के। मैं बोल देती हूँ मुझे ठीक नहीं लगा, जैसे प्रमोशंस में कुछ चीजें मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो स्टार्टिंग में मैंने उस चीज को ओन नहीं किया। मेरा सवाल ये है कि जब आपने इतना पैसा लगा के फिल्म बहुत अच्छी है ना, मैं बता रही हूँ पीपल गोना लव इट, बहुत मेहनत, और अगर मैंने उसको यस कहा, यस टू टू से दिस यू नो फिल्म, सो देयर इज समथिंग। मैं पागल थोड़ी हूँ कि अब इतना काम प्यार लोगों का पाने के बाद मैं उनको धोखा तो नहीं दे सकती, उनको कोई ऐसी गलत चीज तो नहीं दे सकती, तो मुझे कुछ अच्छा लगा तो मैंने इस फिल्म के लिए हाँ की ना। लेकिन स्टार्टिंग में मैं भी जमीली बेग साहब की भी पहली फिल्म है एंड ही इज एन अमेजिंग पर्सन, बड़ा पैसा लगा के, और आई थिंक ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, ऐसी चीजें बनानी चाहिए ताकि ये लोग आगे आएंगे तो हमारा सिनेमा बड़ा होगा, फिल्में बनेंगी, लोग देखेंगे। बहुत छोटी सी हमारी एक फिल्म की मार्केट है जहाँ बहुत अच्छे लोगों की जरूरत भी है। तो शुरू में जैसे पोस्टर्स पे मुझे एतराज था कि वो बेहतर हो सकते थे, वो इतने मैच्योर नहीं थे। हाँ, ट्रेलर पे, ट्रेलर तो फिर बेहतर था। तो मैंने, हमने बैठ के बात की बड़े अच्छे तरीके से, उसके बाद मैंने कहा मैं आई एम गोना ओन दिस फिल्म। ऑफ कोर्स मेरी फिल्म में उसको ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगी, पर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि अगर एक चीज अच्छी नहीं है मैं उसको प्रमोट करूँ, मैं उसको कभी भी प्रमोट नहीं करूंगी अगर वो मेरे मेरे दिल को नहीं लगी, मुझे कनेक्ट नहीं करी, तो ऑडियंस को कैसे कनेक्ट करेगी? Am I right or wrong? Absolutely. No, no, yeah. Absolutely. That's where the genuine artist comes in. Yes. तो sincerity तो वहीं आती है। मुझे इस चीज की परवाह नहीं होती कि अगले प्रोजेक्ट में मुझे कोई लेगा कि नहीं लेगा, मेरा रिस्क बंद हो जाएगा, क्योंकि देने वाली जात उसकी है। मुझे किसी का डर नहीं है, और जो रात मेरी खबर में लिखी है ना वो बाहर नहीं है। तो जब आपका ईमान इतना पक्का होता है ना, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई बिलीव इन गॉड, सो ये सोच के बस मैं काम करती जा रही हूँ। और मतलब और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ तो है अंदर गेज, पर्सनल गेज जो है, तो सही है, जो सही चल रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अपना आप बहुत पॉजिटिव और अच्छा फील करती हूँ, और वो मेरे एक बड़ा अच्छा चेंज आया, और उसकी बहुत बड़ी वजह ये बच्ची जो बैठी हुई है मिशाल चीमा, इसकी वजह से भी है कि बहुत छोटी है मुझसे, लेकिन इससे मुझे बहुत सिखाया है बड़े अच्छे तरीके से चीजों को, जिनसे मैं मेरी अवेयरनेस नहीं थी। एक्सीलेंट। कहते हैं कि प्यार इश्क होता है जो बदलता है इंसान को, और पॉजिटिविटी लाता है। मुझे लगता है कभी कहते हैं ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ, तो मुझे लगता है एक कामयाब औरत के पीछे भी एक औरत का हाथ हो सकता है। एब्सोल्युटली, बड़ी अच्छी बात की आपने। ड्रामे भी आपके आ रहे हैं, और फ्रॉड इज लाइक राइट अराउंड, हमारी लाइफ एक ड्रामा है जानू, लाइफ इज अ ड्रामा है। सो बैक ऑन टेलीविजन, और पीछे हमने आपको देखा चीख में, उससे पहले बागी में, बागी से अवार्ड विनिंग कैरेक्टर था, और वो भी एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि कोई और कर ना पाता मेरे ख्याल है। थैंक यू।